तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर के रेटर जोन। सो फाइनली गाइस, आज मैं गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ रिच एंड ब्लैक लाइट रूम मोबाइल प्रेजेंट्स। सो गाइस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने सिंपल फोटो कुछ इस तरह से एडिट किया है। एंड गाइस, जो मैंने फोटो एडिट किया है मैंने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर .xmp प्रेजेंट से मैंने फोटो एडिट किया। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि xmp प्रेजेंट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं एंड गाइस किस तरह से अपने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर इम्पोर्ट करना है, तो गाइस आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। गाइस मैंने सब कुछ उस वीडियो के अंदर बताया हुआ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से अपने लाइटरूम एडोब एप्लीकेशन के अंदर xmp प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं। तो गाइस ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना है। एंड गाइस यहां पर आने के बाद गाइस सबसे पहले आपको अपने लाइटरूम एडोब एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर अभी लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसके बाद गाइस जो भी आपको अपनी फोटो को एडिट करना है गाइस अब इस वाले बटन पे क्लिक करके अपनी फोटो को इसके अंदर ऐड कर लेना है। सो गाइस जैसे इसके अंदर आप अपनी फोटो को ऐड कर लोगे उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑल फोटोज वाले फोल्डर में जाना है। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर दो फोटो को सिलेक्ट किया है। जैसा गाइस आप पहले की फोटो देखेंगे तो गाइस यहाँ पर मिस्टर फेजू की है एंड गाइस जो सेकंड फोटो यहाँ पर अथर्व राउत की है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर दो फोटो को एडिट करके दिखाऊंगा xmp प्रेजेंट्स से, जो कि गाइस मैं आपको बताया हुआ है कि आज मैं आपको रिच प्रेजेंट्स से ये फोटो एडिट करके दिखाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। तो गाइस आप लिंक पर क्लिक करके xmp प्रेजेंट को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस जैसे आप xmp प्रेजेंट को डाउनलोड कर लेंगे उसका गाइस आपको उसे यूज कैसे करना है, आप गाइस ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख लोगे एंड गाइस उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से यूज करना है। तो गाइस जैसे गाइस आप वहाँ पर वीडियो को देख लोगे उसके बाद गाइस आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। एंड गाइस जैसे अपनी फोटो को सिलेक्ट करोगे उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आना है। एंड गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस आपको कुछ इस तरह का एक बटन मिलेगा, तो गाइस आपको बटन पर क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। एंड गाइस यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है रिच ब्लैक, तो गाइस आप रिच ब्लैक वाले बटन पर क्लिक करके अपने प्रेजेंट्स को अपनी फोटो में यहाँ पर एड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा हमारी यहाँ पर फोटो अच्छी लग रही है। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो मिस्टर फेजू की फोटो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। गाइस बहुत ही कमाल की यहाँ पर फोटो एडिट हो गई है। तो गाइस आप भी अपनी फोटो बिल्कुल इसी तरह से एडिट कर सकते हैं, बस गाइस एक ही बटन दबाकर। एंड गाइस अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आपको सारे टूल दिए जाते हैं, तो गाइस आप यहाँ से अपनी फोटो को और भी ज़्यादा अच्छी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको सेकंड फोटो कैसे एडिट करना है, तो गाइस आपको उसी तरह से अपनी सेकंड फोटो को भी एडिट करना है। जैसे गाइस अभी आप इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है एंड गाइस यहाँ से आपको नीचे जाना है, फिर से इस वाले बटन में जाना है। एंड गाइस यहाँ से फिर से आपको रिच ब्लैक वाले प्रेजेंट पे सिलेक्ट करना है एंड गाइस यहाँ से डन कर देना है। तो गाइस मैंने यहाँ से डन किया। एंड गाइस अगर आप देखेंगे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा हमारी यहाँ पर फोटो अमेजिंग लग रही है। एंड गाइस बहुत ही अच्छा लुक आया हमारी फोटो में। एंड गाइस जो हमारे यहाँ पर फेस है यहाँ पर रेड कलर इफेक्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो गाइस इसे हम लोग बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। तो गाइस इसे सही करने के लिए हम लोग इस वाले बटन में जाएंगे एंड गाइस मिक्स टूल में जाएंगे। यहाँ से गाइस जो हमारे फेस पे रेड कलर है हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे गाइस हम लोग सेकंड कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड गाइस व्यू को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे एंड गाइस लुमिनेंस को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद गाइस हम लोग फर्स्ट वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से गाइस हम लोग व्यू को बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, लुमिनेंस को बढ़ा देंगे एंड गाइस डन कर देंगे। सो गाइस डन करने के बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा हमारी यहाँ पर फोटो अच्छी लग रही है। एंड गाइस अगर आप पहले की फोटो देखेंगे एंड गाइस अगर बात की आप फोटो देखेंगे तो गाइस आप भी अपनी फोटो बिल्कुल इसी तरह से एडिट कर सकते हैं, बस एक ही बटन दबाकर। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।